हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि फाइनल रिजल्ट एक तो कब आ सकता है, कब फाइनल रिजल्ट आएगा, क्या कट ऑफ रह सकती है और किन किन एआरओ की, भाई रोहतक आगरा मोहो एआरओ की फाइनल कट ऑफ सेफ स्कोर क्या है, कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। इससे पहले हम पालमपुर गया एआरओ कटिहार एआरओ के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, वो आप पिछली वीडियो के अंदर जाकर चेक कर सकते हैं। जो नए बच्चे हैं अपने एआरओ के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट कर दीजिएगा और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट कट ऑफ कब आ सकती है, फाइनल रिजल्ट कब आएगा, जिन एआरओ का फिजिकल हो चुका है। भाई फाइनल रिजल्ट की बात करें, आपको पता है बैच जाएगा नवंबर के अंदर, नवंबर के अंदर पहला डिस्पैच कर दिया जाएगा बैच ट्रेनिंग के लिए। तो यहां पर नवंबर की लास्ट में आपके, सॉरी सितंबर की लास्ट तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे भाई और अक्टूबर के अंदर डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी। सितंबर में रिजल्ट आएंगे और अक्टूबर में डॉक्यूमेंटेशन होगी। अभी जुलाई चल रहा है, एक महीना अगस्त बीच में सितंबर में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अब सबसे पहली बात करते हैं भाई हम इन एआरओ की, रोहतक आगरा और महू के मेरिट क्या जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं पिछली बार कट ऑफ क्या गई थी। पिछली बार रोहतक के अंदर जीडी के अंदर 320 वैकेंसियां थी, आगरा के अंदर जीडी के अंदर, आगरा के अंदर वैसे तो वैकेंसियां 1200-1300 के, 1300 से भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन जीडी के अंदर 1084 के लगभग वैकेंसियां थी आगरा एआरओ के अंदर। महू एआरओ के अंदर 704 वैकेंसियां थी, आर्मी जीडी की बात कर रहे हैं हम। और कट ऑफ क्या गई थी पिछली बार 2023 के अंदर, रोहतक के अंदर 165-170 के लगभग गई थी, आगरा के अंदर लगभग 155, थोड़ा बहुत 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है 2-3 नंबर, और महू एआरओ के अंदर भी 156 के लगभग मेरिट गई थी। भाई ये फाइनल आंकड़ा है इन तीन एआरओ का, कट ऑफ क्या गई थी, वैकेंसी क्या थी पिछली बार। और आपको पता है भाई अब 2024 के अंदर वैकेंसियां बढ़कर मिलने वाली हैं। 2022 के अंदर अग्निपथ स्कीम चालू हुई थी और जब ये चालू हुई थी तो ये बोला गया था कि अभी ये स्कीम 2 साल तक ट्रायल पे रहेगी, 2 साल तक वैकेंसियां कम देंगे, उसके बाद हर साल वैकेंसियों को बढ़ाया जाएगा। तो अब की बार आर्मी की तरफ से ये बोला गया कि वैकेंसियों को बढ़ाकर दिया जाएगा और हर एआरओ को वैकेंसियां ज्यादा मिलेंगी। और जब भी वैकेंसियां ज्यादा बढ़ेंगी, अब मान के चलिए 600 की बजाय 700 बंदे लगेंगे तो मेरिट गिरेगी, 700 की बजाय 800 लगेंगे तो मेरिट गिरेगी। तो अब बात करते हैं मेरिट क्या जा सकती है और वैकेंसियां क्या हो सकती हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर सभी ने कर लेना है, लाइक जरूर करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई 2024 के अंदर वैकेंसियां क्या हो सकती हैं एआरओ के अंदर। यहां पर 320 के आसपास जीडी को वैकेंसियां मिली थी, तो यहां पर ये आंकड़ा हो सकता है 400 के लगभग, 400 से ऊपर भी जा सकता है जीडी की वैकेंसियों का भाई, ठीक है। आगरा के अंदर बहुत ज्यादा वैकेंसियां मिली थी भाई, 1084-1080 के आसपास तो जीडी जीडी को वैकेंसियां मिली थी। अगर आप पिछला रिजल्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई। तो यहां पर पिछली बार इतनी वैकेंसी तो अब की बार भी कम नहीं होगी वैकेंसियां, अब की बार भी 1100-1150 के लगभग वैकेंसियां, यानी कि हम लगभग आइडिया माने तो 1000-1100 तो अब की बार भी 100% मिल सकती हैं आगरा एआरओ को। महू एआरओ को 704 मिली थी तो वैकेंसियां सभी एआरओ को बढ़कर मिलेंगी भाई, क्योंकि पिछली बार ये नंबर 45,000 के लगभग था आपका, अब की बार ये वैकेंसियां 50,000 के लगभग मिलने वाली हैं, ठीक है। तो मेरिट की बात करें, मेरिट क्या जा सकती है भाई, मेरिट यहां पर रोहतक के अंदर लगभग जा सकती है 160 में, आप प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, यानी कि 158-162 के बीच में मेरिट रह सकती है रोहतक के अंदर। जर्नल की बात कर रहा हूं, जर्नल मेरिट 158-162 के बीच में रोहतक के अंदर रह सकती है भाई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगरा एआरओ की भाई, पिछली बार कट ऑफ 155 के आसपास गई थी तो अब की बार कट ऑफ रह सकती है 150 के लगभग भाई, इसके नीचे भी आ सकती है। तो यहां पर अगर हम आइडिया मान के चलें तो ये 148 के लगभग रह सकती है, 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, 148 के लगभग कट ऑफ आगरा के अंदर रह सकती है, 148-150 के आसपास भाई, 150 मान के चलिएगा। और महू के अंदर भी मान के चलें तो इसके अंदर भी 150 के लगभग कट ऑफ, प्लस माइनस 2 कर सकते हैं आप, 2-3 नंबर नीचे जा सकती है, 2-3 नंबर
ऊपर हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ भी 150 से नीचे कट ऑफ होगी, यहाँ भी 150 और यहाँ से 158 से 162 के बीच में कट ऑफ रह सकती है भाई। ये आपका आंकड़ा है, आप कमेंट करके बताइएगा आपके नंबर कितने बन रहे हैं और आपका एआरओ कितना है, क्या आप इस सेफ स्कोर के अंदर हैं या नहीं है। अगर आप सेफ स्कोर के अंदर आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, नमस्कार।